दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कैसे करते हैं और साथ साथ में आपको अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा, एटीएम कार्ड भी मिल जाएगा। मतलब आप सारा चीज़ यूज कर सकते हैं, आपको ब्रांच जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आप घर बैठे अपने मोबाइल से बैंक ऑफ बड़ौदा में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओपन कैसे करना है मैं आपको स्टेप बाई स्टेप आपको बताऊँगा, बट इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर कोई होना चाहिए जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड हो, और दूसरा एक ईमेल आईडी, और तीसरा एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए ताकि एंड्रॉयड मोबाइल से ही खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब होना चाहिए तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, और गूगल में जाने के बाद यहाँ पर टाइप करना है बैंक ऑफ बड़ौदा। बड़ौदा लिख के, बैंक ऑफ बड़ौदा लिख के सर्च कीजिएगा। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ रहा है https://bankofbadodara.in। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे आप ऊपर लेके जाएंगे तो इंस्टा यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइटल, टाइटल मतलब मिस्टर मिसिस या मिस जो भी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना नाम, फर्स्ट नाम डालना है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट का नाम डालना है आपका, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है। जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आपको ठीक से डालना है, क्योंकि ईमेल आईडी पे ही आपका अकाउंट नंबर सारा चीज़ भेजा जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आधार कार्ड से वही मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर डालते ही आपके पास एक ओटीपी आएगा, इस ओटीपी को इसमें फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड चल रहा है, इसके अंदर ही ओटीपी आएगा। जैसे कि मेरा आ गया है, मैं डाल देता हूँ। ओ टी पी डालने के बाद आपको फिर से, अब आपको खुद देखिए यहाँ पे वेरीफाइड लग गया है, ओ टी पी मैं डाल दिया हूँ, और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। फिर से यहाँ पे भी आपको क्लिक करना है, यहाँ पे सारा चीज़ पे आपको क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आपको इस पर भी क्लिक करना है, और उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है, ये भी फिल हो जाएगा। फिर से आपको इस पर क्लिक करना है, फिर से इस पर क्लिक कर देना है, फिर से भी भर जाएगा। उसके बाद फिर से आपको इस पर क्लिक करना है, और फिर से इस पर क्लिक कर देना है। देखिए सारा चीज़ फिल हो गया, जैसे कि मैं यहाँ पे सारा चीज़ फिल कर दें। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे बोलेगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे 25% कंप्लीट हो गया है और आपका भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, ये तीनों पर टिक कर देना है। जो भी है जैसे ये डालेंगे उसके बाद ही तीनों पर टिक कीजिएगा। जैसे कि मैं अपना पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ, जैसे आधार कार्ड नंबर डालेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, फिर से इस पर क्लिक करना है, फिर से इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आएगा। देखिए मेरा ओटीपी आ गया यहाँ पे, जो ओटीपी फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपको खुद वेट करना है, आपका ये 50% कंप्लीट हो जाएगा और आधार कार्ड से ही पूरा डिटेल्स उठा लेगा। ठीक है, अब आपको ऊपर लेके जाना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे ही रहने दीजिएगा। वहाँ पे आपको उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट ब्रांच, आपको कहाँ पे ब्रांच सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ से ब्रांच सिलेक्ट करना है। जैसे कि जहाँ भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, जिसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपको खुद वेट करना है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे 75% कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर का नाम डालना है, मिस्टर, उसके बाद फादर का फर्स्ट नाम डालना है, उसके बाद मिडिल नेम होगा तो वो डालिएगा, लास्ट का नाम डालिएगा, मदर का नाम डालिएगा या मिसेज जो भी होंगे वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उनका फर्स्ट नाम, मदर का नाम फर्स्ट नाम, मिडिल नेम होगा तो वो लास्ट नाम, और यहाँ पे आपको यहाँ पे आना है। और यहाँ पे क्या है आप, मतलब क्या काम करते हैं, सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है या घर का वाइफ है। जैसे कि अगर मैं महिला होंगी तो घर का वाइफ कीजिएगा, और अगर मैं जो मैं हूँ वो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, यहाँ पे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ पे इनकम रैंक मतलब आप कितने तक कमा लेते हैं, जैसे कि 0 से 5 लाख या 5 से 10 लाख। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्लिकेशन मतलब आपको इस पर क्लिक करना है, और आप क्या काम करते हैं यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, मतलब आप क्या काम करते हैं, डॉक्टर या इंजीनियर जो भी होंगे आप यहाँ पे बताना है। ठीक है, या ड्राइवर जो आप वो होंगे वो आपको बता देना है, और उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे मैरिड स्टेटस मतलब आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं या आपका शादी नहीं हुआ है। जैसे कि अगर मैं आपका शादी हुआ तो मैरिड पर क्लिक कीजिए, शादी नहीं हुआ तो अनमैरिड पर क्लिक कीजिए। और उसके बाद सारा चीज़ फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नॉमिनी भरना होगा तो यस पर क्लिक कीजिएगा, वरना नॉमिनी नहीं भरना होगा तो नो पे ही क्लिक कीजिएगा। ठीक है, ये नॉमिनी इसलिए भराया जाता है कि ताकि अगर मैं अकाउंट होल्डर को कुछ होता है तो नॉमिनी का जो नाम रहेगा उन्हीं को पैसा मिलेगा। जैसे कि नॉमिनी भरना होगा तो यस पर क्लिक करके नाम वाम भर दीजिएगा, तो मैं नॉमिनी नहीं भरने वाला हूँ। तो चलिए मैं नो पर क्लिक करके प्रोसीड कर देता हूँ। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपको कुछ देर वेट करना है। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे यहाँ पे क्या क्या सर्विस चाहिए आपको सारा चीज़ पर टिक कर देना है।
जो भी आपको चाहिए सारा चीज़ पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डेबिट कार्ड मिलेगा, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इसमें सेलट या UPI सारा चीज़ आपको मिलेगा, तो इस पर आप लोग टिक कर दीजिएगा। सारा चीज़ फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपको उधर वेट करना है। यहाँ पे देखिए सारा चीज़ नाम हम बता रहे हैं। अब आपको यहाँ पे अगर में कोई मिस्टेक पाया जाता है, कोई मिस्टेक हो गया तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिए सारा चीज़ ठीक है। उसके बाद आपको हम सबमिट अप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट अप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे अब आपको उधर वेट करना है। यहाँ पे देखिए अकाउंट ओपन हो गया, यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है, मेरे को एक SMS भी आ गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लोज पर क्लिक करना है। जैसे क्लोज पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, क्रेडिट कार्ड भी चाहिए तो आपको इस पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कंफर्म पर क्लिक करेंगे थैंक्स हो गया, ओके क्लोज कर दीजिएगा। चलिए अब मैं बैंक आ गया। अब आपको अपने ईमेल आईडी में जाना है। देखिए मेरे को एक ईमेल आ गया है बैंक का बड़ोदरा से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल एक आ गया है, मैं इस ईमेल को ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पे ईमेल उमेल आ गया है और यहाँ पे देखिए एक PDF बन के आ गया। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा। जैसे पासवर्ड मांग रहे जो आपका पैन कार्ड होगा वही आपको पैन कार्ड नंबर डाल देना है, जो भी आपका होगा वो डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है। जैसे ओपन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए सारा चीज़ आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरा सारा चीज़ अकाउंट ओपन हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अकाउंट नंबर, यहाँ पे सारा चीज़ आ गया है। ये मेरे को एक UPI आईडी मिल गया है और मेरे को यहाँ पे अकाउंट नंबर मिल गया है, यहाँ पे मेरे को कस्टमर आईडी मिल गया है, यहाँ पे सारा चीज़ दिखा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ दिखा रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मोबाइल बैंकिंग चालू करने के लिए आपके पास एक MPIN भी आया होगा बैंक ऑफ बड़ौदा से। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए थोड़ा बहुत मेरे घर बच्चे हैं 2-3, इसके लिए थोड़ा बहुत रो रहे हैं, इसके लिए सॉरी, क्योंकि अब बच्चे को तो मना नहीं कर सकते हैं, बट वीडियो बनाते समय आपको बता दे रहा हूँ कि मेरे घर थोड़े बहुत बच्चे हैं, मतलब 2-3 बच्चे हैं और वो रोने की उनकी आदत है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मेरे को एक MPIN भी आया है 3651, ठीक है। अब आपको अपना मोबाइल बैंकिंग चालू करने के लिए अब आपको प्ले स्टोर में जाना है। अब प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना, M Connect Plus, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आपको डाउनलोड करना है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है। जैसे ओपन पर क्लिक करेंगे आपको अलाउ पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको अलाउ पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको अलाउ पर क्लिक करना है, फिर से आपको अलाउ पर क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे कंफर्म पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सिम सेलेक्ट करना है, जो अभी आप सिम से रजिस्टर्ड किए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसे कि मैं रजिस्टर्ड किया हूँ वो सिम सेलेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ पे देखिए कैश में आया सेव, मेरे अकाउंट बैलेंस कटा, यहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे कंफर्म क्लिक करेंगे एक OTP आएगा, OTP फिल होगा। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है 4 डिजिट का एक पास एप्लीकेशन पासवर्ड लगाने के लिए, तो ये आपको लगाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 9898 लगा देता हूँ, फिर से मैं 9898, इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास जो MPIN आया है वो आपको डालना है। जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि मेरे को एक SMS में MPIN आया है, तो मैं फिर से जाता हूँ और फिर से देखिए ये 3651 है, तो मैं यहाँ पे 3651 डाल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 3651, ओके। अब मेरे को फिर से अब MPIN सेट करना है। ये आपको एप्लीकेशन पासवर्ड और MPIN याद करके रखना है। जैसे कि मैं 9898 एप्लीकेशन पासवर्ड लगाया था, तो मैं यहाँ पे MPIN में डाल देता हूँ 6565 और मेरे को 6565 यहाँ पे अभी देखिए आपको वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बिन सक्सेसफुल हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको खुद वेट करना है, यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है। अब आपको जो एप्लीकेशन पासवर्ड लगाए रहेंगे वो आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं 9898 लगाया था, ओके, तो 9898 हो गया, देखिए यहाँ पे आ गया, ये मेरा नाम भी दिखा रहा है। अब आपको बैलेंस चेक करना होगा तो इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए 0 बैलेंस मेरा अकाउंट दिखा रहा है, ठीक है। अब आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखिए जब मैं लॉगिन किया हूँ ये 6:06 हो रहा है और आप लोग भी ये सारा चीज़ यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड किसे क्या क्या। मैं सारा चीज़ मैं 6565 जो लगाया हूँ ना वो MPIN आएगा, वो कब काम आएगा, जब मैं पैसा ट्रांसफ़र करूँगा। जब मैं अप्लीकेशन को कब काम आएगा, अप्लीकेशन पर जब क्लिक करेंगे तो आपको क्या मांगेगा, वो एप्लीकेशन पासवर्ड मांगेगा। तो एप्लीकेशन पासवर्ड में जैसे 9898 लगाया हूँ, तो आप लोग जो भी लगाइएगा वो आपको डालना होगा, ठीक है। और MPIN की जगह पे जो मैं 6565 लगाया हूँ, ठीक है, वो आपको अपना जो सिलेक्ट करेंगे वो डालेंगे, ठीक है। और मैं बता दूँ कि आपका जो डेबिट कार्ड है वो आपको बाई पोस्ट 7 डे के अंदर, मतलब 7 दिन के अंदर आपको बाई पोस्ट आपके एड्रेस पर आ जाएगा और उसके बाद आप लेन देन कर सकते हैं। बट अगर मैं किसी से पैसा मंगाना, किसी के पास ट्रांसफ़र करना, ठीक है, आप यहाँ पर पैसा मंगाएंगे तो इसमें जाइएगा और इसमें क्लिक करके अपना एप्लीकेशन पासवर्ड डालिएगा, लॉगिन कीजिएगा और इसमें मिनी स्टेटमेंट में जाइएगा और आप उसमें देख लीजिएगा कौन पैसा मेरे को भेजा है, ठीक है, ठीक है।
तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए और आपका एड्रेस पे आपका एटीएम कार्ड आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आप लोगों को वीडियो पसंद आए। पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।